स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल तेजस एजुकेशन हब। आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियोस में आपने अकाउंटेंसी और बायोलॉजी की क्लासेस ली थी, आज से हम केमिस्ट्री की क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। हमारा ये चैनल जो है 9 से 12 तक की फ्री ऑनलाइन एजुकेशन दे रहा है और हम हर सब्जेक्ट की क्लासेस लाने की कोशिश करेंगे। तो आज ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है केमिस्ट्री का, तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक रहेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, ठीक है। ये आरबीएससी 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीबीएसई 10th के लिए भी ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। साथ में ये टॉपिक रीट में भी आता है, तो रीट के स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को देख सकते हैं। वहां पर ये टॉपिक आपको हाइड्रोकार्बन के नाम से मिलेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कार्बन के बारे में। कार्बन जो है अर्थ में एलिमेंट और कंबाइंड फॉर्म दोनों में मिलता है। एलिमेंट तो सिंगल एलिमेंट मिलेगा और कंबाइंड फॉर्म मींस है कंपाउंड। तो मैक्सिमम कार्बनिक कंपाउंड जो है अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। तो कार्बन जो है एलिमेंट की फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है। अगर हम परसेंटेज की बात करें कितना परसेंट होता है, तो अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन है 0.02% होता है और एटमोस्फियर में जो कार्बन है 0.03% होता है, ठीक। अर्थ क्रस्ट में जो कार्बन आपको मिनरल के फॉर्म में मिलेगा और एटमोस्फियर में जो कार्बन आपको CO2 के फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट आए थे बर्जीलियस, उन्होंने बोला था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ कौन बनाती है, लिविंग थिंग बनाती है, और इसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दिया था, ठीक है। एक बर्जीलियस साइंटिस्ट आया था, उन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है सिर्फ लिविंग थिंग फॉर्म कर सकती है, इसको उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी नाम दिया था। और उन्होंने कहा था कि लैब में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है। बट वॉलर एक साइंटिस्ट आया था जिन्होंने इसकी थ्योरी को डिस्कार्ड किया था और उन्होंने लैब में जो है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया का फॉर्मेशन करवाया था। तो वॉलर ने बर्जीलियस की थ्योरी को डिस्कार्ड किया, वाइटल फोर्स थ्योरी को डिस्कार्ड किया और लैब में फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया का फॉर्मेशन किया था। अब जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो है कार्बन के कैरेक्टरिस्टिक्स या कार्बन के फीचर्स। तो अगर हम फर्स्ट फीचर की बात करें तो कार्बन का जो सिंबल होता है कैपिटल सी, कैपिटल सी से हम इसके सिंबल को डेनोट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके एटॉमिक नंबर की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका होता है 1s2, 2s2 और 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसकी बैलेंसी जो होगी वो 4 होगी। सो देखो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इसको स्टेबिलिटी के लिए या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करने पड़ेंगे या 4 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो कंडीशन फर्स्ट ये बनती है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले और एनायन का फॉर्मेशन करे। इस कंडीशन में क्या होगा, प्रोटोन तो रहेंगे 6 और इलेक्ट्रॉन का नंबर हो जाएगा 10, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो बहुत ही अनस्टेबल बनेगा। सेकेंड कंडीशन में ये होगा कि ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें और केटायन का फॉर्मेशन करें। इस कंडीशन में क्या होगा, 6 प्रोटॉन रहेंगे और इलेक्ट्रॉन रहेंगे 2, तो ये भी जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेंगे। इसके लिए बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि पॉसिबल नहीं है। तो कार्बन जो है ना तो एनायन बनाता है और ना ही केटायन बनाता है, ठीक है। अब कार्बन को स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, तो कार्बन स्टेबल होने के लिए शेयरिंग करता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है अदर एलिमेंट के साथ में। तो कार्बन जो है अदर एलिमेंट के साथ में शेयरिंग करके कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है शेयरिंग से बनता है, ठीक है, इसमें एनायन और केटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो पहला एग्जाम्पल आप देखो हाइड्रोजन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इसको स्टेबिलिटी के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये दूसरे हाइड्रोजन के साथ में क्या करेगा, शेयरिंग करेगा और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ऐसे ही देखो ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में हो जाएगा और एक स्टेबल मॉलिक्यूल जो है O2 का फॉर्मेशन होगा। एक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। तो नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन के साथ में ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और N2 मॉलिक्यूल बनाएगा। तो O2 मॉलिक्यूल, N2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल है।
फटाफट से वापस देख लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और ये एनायन का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, कैटायन का भी फॉर्मेशन नहीं कर सकता, लेकिन इसको स्टेबल होना है, स्टेबल नॉबल गैस का कॉन्फिगरेशन लेना है। तो ये क्या करेगा, ये करेगा, ये जो है नॉबल गैस का कॉन्फिगरेशन लेने के लिए शेयरिंग करेगा और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। इसके अलावा देखो कार्बन की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कार्बन के जो कंपाउंड है वो इलेक्ट्रॉन के जो होते हैं पुअर कंडक्टर होते हैं। इलेक्ट्रॉन के पुअर कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि ना तो वो कैटायन बनाते हैं और ना ही वो एनायन बनाते हैं, तो शेयरिंग से कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा जो कार्बनिक कंपाउंड है या कार्बन है उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी बहुत कम होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट है उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम होता है, इसलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, कम होता है। ये भी कार्बन के कुछ फीचर्स है। सो कोवेलेंट बॉन्ड की इसी मैनर में अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ में ही क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। और इसी तरह कार्बन जो है हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा, इसको हीलियम का कॉन्फिगरेशन मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होती है मेथेन, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। इस पैटर्न को बहुत से क्वेश्चन आते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, तो ये है मैथेन की स्ट्रक्चर। आगे हम आईयूपीएससी डिस्कस करेंगे तो मैथेन क्या होता है, एथेन क्या होता है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन का मीन्स होता है ब्रांचिंग। कार्बन जो है ब्रांच्ड कंपाउंड बनाता है, अनब्रांच्ड कंपाउंड बनाता है, साइक्लिक कंपाउंड बनाता है, एरोमेटिक कंपाउंड बनाता है। ये कार्बन का एक स्पेशल फीचर है, ये कार्बन में ही प्रेजेंट होता है। इस वजह से हम देखते हैं बहुत सारे लॉन्ग चेन कंपाउंड जो होते हैं मैक्सिमम कार्बन के ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कार्बन की स्ट्रक्चर की बात करें तो रेगुलर टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है कार्बन की, कार्बन की 4 वैलेंसी है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट है, ठीक है। अगर हम बॉन्ड्स की बात करें कार्बन और कार्बन के बीच में, तो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वो सिंगल बॉन्ड होगा, दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो डबल बॉन्ड, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। आगे हम देखेंगे ये एल्कीन कहलाएगा, ये एल्कीन कहलाएगा, ये एल्काइन कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आईयूपीएससी हाइड्रोकार्बन्स क्लासिफिकेशन एलोट्रॉप्स ये देखेंगे। थैंक यू।